काली चरण, जस्ट इमेजिन, कांट इमेजिन। 104 डिग्री तापमान। सर मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, सर आप ही नहीं मान रहे थे। सॉरी सॉरी, अब हम यहाँ कतई नहीं रहेंगे। बहादुर तू फौरन जा, अपने फोन बूथ से फोन कर और गाड़ियों का इंतजाम कर, जा। अरे मार दी ना मेरे पेट पर लात, मेरी जेब भरने से पहले ही खाली हो गई। जस्ट इमेजिन, अरे तुझे उन लोगों के सामने उस तरह पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत क्या थी? करता क्या, वो इतनी जोर से चिल्लाई और वहां पर इतने लोग थे कि मैं डर गया। और तेरे डर ने उनको इतना डरा दिया है वो सब वापस जा रहे हैं। मां कसम, अब ढूंढना अपनी चंपा को सचमुच का काली चरण बनके। तो अब क्या करें बहादुर? क्या करें, तूने जैसा कहा वैसा मैंने किया, अब तू ही कुछ सोच। सोचा। क्या चंपा जी? मेरा नाम प्रिया है। वो तो इस जन्म में है लेकिन पिछले 6 जन्मों से तो आप काली चरण की चंपा है। ये 7वां जन्म है, अगर आप उससे बिना मिले चली गई तो वो रूठ जाएगा, फिर आप जहाँ जहाँ जाएंगी वो वहाँ वहाँ आएगा। जस्ट इमेजिन। ऐसे कैसे आ जाएगा, और वैसे हम तो सिंगापुर चले जाएंगे। ओ पापा, वो सिंगापुर भी आ जाएगा। हा? उसको टिकट नहीं खरीदना पड़ता। देखो बहादुर, ये किसी भूत भूत से मिलने कहीं पे भी नहीं जा रही है, अगर इसे कुछ हो गया तो। वो बहुत शरीफ भूत है मैम साहब, उसने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, है ना? अब आगे आप लोगों की मर्जी। रुको बहादुर। हनी, आई थिंक ही इज राइट, तू उससे मिलने जाएगी। हाँ, तभी उसे मुक्ति मिलेगी। और आप इन्हें मना मत करना, अगर काली चरण को पता चल गया। जस्ट इमेजिन। नहीं नहीं, मैं इसे मना तो नहीं कर रही थी, मैं तो खाली पूछ रही थी। आई स्वेयर, मैं तो एडवाइस दे रही थी ना तुमको। नहीं सुनो, देखो तू इस भूत से जरूर मिलने जाना, ये देखो वो कितना शरीफ भूत है, ही इज अ वेरी शरीफ भूत। अच्छा मुझे बहुत नींद आ रही है, ओके बाय गुड नाइट। हनी चंपा, चरण जी मैं आ गई आपको मुक्ति दिलाने के लिए, प्लीज सामने आ जाइए। आजकल भूतों को भी डर लगता है क्या? तुम भूत नहीं हो? अच्छा मैं समझ गई, कोई तुमको भूत कहता है तो तुम्हें बुरा लगता है ना, और लगना भी चाहिए, तुमने तो प्यार में जान दी है, और वो लोग जो प्यार में जान देते हैं वो भूत थोड़ी होते हैं, वो तो आशिक होते हैं। तुम आशिक हो ना? मैं कृष्णा हूँ। रुक जा, मेरे पास मत आना। हाँ तुमने मुझे बुलाया, मैं आ गई, अब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। मैं जाऊं? मुझे मुक्ति नहीं, दोस्ती चाहिए। क्या दोस्ती? अरे बाबा डरो मत, मैं भी तुम्हारी तरह का इंसान हूँ। यकीन नहीं होगा तो छू के देख लो, छू के देख लो। छू के? I'm sorry। देखो मेरे खून का रंग भी लाल है, अब तो यकीन हुआ कि मैं भूत नहीं। लेकिन अगर तुम भूत नहीं हो तो वो तस्वीर? वो मेरे पापा की तस्वीर है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं एकदम उन जैसे दिखता हूँ,
लेकिन उस दिन मेरी जान बचाने के लिए उस पेड़ पर तुम अचानक कहां से आ गए थे? और कल उस पहाड़ पर ऐसे 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 कैसे चढ़ गए थे? हाँ, शायद इसलिए क्योंकि आदत सी हो गई है। बचपन से नहीं पेड़ों पहाड़ों यहाँ के जानवरों और पंछियों के साथ खेल कर ही तो बड़ा हुआ हूं मैं। अपना ज्यादा वक्त मैं इन्हीं के बीच बिताता हूं, इसलिए सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तुम मिलना चाहोगी मेरे दोस्तों से? अभी यकीन नहीं हो रहा। दोबारा पेन नहीं माने दूंगा, दर्द होता है क्योंकि मैं कालीचरण नहीं हूं ना। देखा, ये कालीचरण नहीं है, मैं तो शुरू से यही कह रहा था। आप तो अभी भी यही कह रहे हैं। सही तो कह रहा हूं। कालीचरण, you're so cute। कृष्णा, You really got us scared. बहुत डरा दिया था तुमने, लेकिन मजाक अच्छा था। Boys and girls, campaign continues. और कृष्णा, तुम भी हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। अलग रंग का फूल कहां से ला रहे हो तुम कृष्णा? इंद्रधनुष से मांगकर। इंद्रधनुष मतलब रेनबो? हाँ। वो देखो। वाह कृष्णा, कितना खूबसूरत नजारा है। अगर मैं यहां नहीं आई होती ना तो मुझे बहुत अफसोस होता। मुझे भी। इतनी खूबसूरत जगह मैंने आज तक नहीं देखी। It's so beautiful, so pure, so serene, so quiet. You should see this place in autumn. It is a riot of colors. When the sun's rays touch the fallen leaves, everything turns to gold. So beautiful. Makes you realize what a great artist God really is. कृष्णा, तुम इंग्लिश भी बोल लेते हो और वो भी इतनी अच्छी। दादी ने सिखाया, मेरा स्कूल, मेरा कॉलेज, मेरी यूनिवर्सिटी सब वही है। लेकिन किसी से भी कुछ भी सीखने के लिए टैलेंट की जरूरत होती है कृष्णा, और तुम में कमाल का टैलेंट है। यू आर अमेजिंग। तुम्हें इस छोटे से गांव में अपने टैलेंट को वेस्ट नहीं करना चाहिए, यहां से बाहर निकलना चाहिए।
यहाँ से बाहर की दुनिया में तुम जैसे टैलेंटेड लोगों की ना सिर्फ जरूरत है बल्कि कदर भी। पर मेरी दुनिया तो मेरी दादी है, मैं उन्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा। बहुत प्यार करते हो ना अपनी दादी से? बहुत से भी ज्यादा। कृष्णा, मैं तुम्हारी दादी से मिलना चाहती हूँ। दादी, ये प्रिया है। प्रिया मेरी दादी। नमस्ते दादी। जीते रहो। हम लोग पहले मिल चुके हैं। हाँ हाँ याद है। एक बात बताओ जी, उस दिन तुम घर से चली क्यों गई थी? घर से नहीं दादी, डर से। ये जो आपका कृष्णा है ना, ये सबको भूत बन के डरा रहा था। भूत? और दादी, इनके कोमल सर जो कि अच्छे खासे हटे कट्टे, डर के मारे थरथर कांप रहे हैं ना। दादी, उनको तो 104 डिग्री बुखार भी हो गया था। 104? सच कृष्णा? तुम्हें ऐसे मजाक नहीं करना चाहिए था बेटा। इतना भी क्या किसी को डराना कि वो बेचारा बीमारी पड़ जाए। तुमने सॉरी बोला? हाँ दादी, बोला, सबको बोला। प्रिया बेटा। जी दादी। अपने बारे में भी तो कुछ बताओ। दादी, मैं सिंगापुर में रहती हूँ अपनी मम्मी के साथ। मेरे पापा अब नहीं रहे। इंडिया अपनी एक दोस्त के साथ छुट्टियां मनाने आई हूँ। उसकी फैमिली चंडीगढ़ में रहती है। अच्छा जी। मैं हाथ धो के आती हूँ। कितने दिन तक हो यहाँ? दिन दादी, हम लोग तो आज ही जा रहे हैं, बल्कि अभी। ओह माय गॉड, मुझे चलना चाहिए, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हनी मैम साहब, ये रहा मेरा टेलीफोन नंबर। दोबारा आपको कभी यहाँ आना हो तो मुझे फोन करिए और सेवा का मौका जरूर दीजिए। प्रिया कहाँ है? बोलो, वो आ गए। कम ऑन प्रिया, जल्दी करो। कम ऑन एवरीबॉडी, गेट इन। कृष्णा, नाइस मीटिंग। थैंक यू। रियली एंजॉयड योर कंपनी कृष्णा। हम लोग वापस जरूर आएंगे। बहुत मजा आया कृष्णा। थैंक्स कृष्णा, बहुत अच्छा वक्त बीता तुम्हारे साथ। 10 दिन कबर कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। रियली बहुत मिस करूंगी इस जगह को मैं, और तुम्हें भी। अपना ख्याल रखना कालीचरण। अच्छा तो मैं चलती हूँ। तो मैं चलूं? मैं जाऊं? कृष्णा, हाथ नहीं छोड़ोगे तो कैसे जाएगी वो? बाय कृष्णा। बाय।